अस्सलाम वालेकुम। आज हम G5 की एक नई सीरीज़ आई है, टेंगो सीरीज़। उसका जो पहला फ़ोन है टेंगो 7, उसका रिव्यू कर रहे हैं। इस फ़ोन में जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वो है इसका रोटेटेबल कैमरा। आपको पता होगा कि जिस तरह ओप्पो ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया है ओप्पो N1 मिनी, और उसमें रोटेटिंग कैमरा है, तो वही वाला फ़ीचर जो है वो G5 ने भी लॉन्च किया है। और आज हम इसका रिव्यू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा फ़ोन रहता है। इस फ़ोन में 5.5 इंच की HD स्क्रीन है, 1.5 GHz का हेक्सा कोर प्रोसेसर है। हेक्सा कोर का मतलब है कि 6 कोर्स इसमें हैं। उसके अलावा 2 GB इसमें रैम है, 16 GB बिल्ट इन मेमोरी, और 16 GB इसमें बिल्ट इन मेमोरी है। और उसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि 13 MP का रोटेटेबल कैमरा है, और 2500 mAh की बैटरी है। और उसके अलावा इसकी अगर डायमेंशन देखी जाए तो डायमेंशंस वाइज भी जो है ये काफ़ी स्लिम लग रहा है। इसको देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। स्टिकर हमें रिमूव करना पड़ेगा। पैकिंग वाइज अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा है, ये प्लास्टिक का इसका कवर है सारा, उसमें से ये फ़ोन निकले। फ़ोन को हम अभी साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि इसकी बाकी एक्सेसरीज़ में क्या क्या है। तो हम इसकी पैकिंग जो है अनपैकिंग कर रहे हैं। आपके सामने एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और उसके अलावा ये जो है प्लास्टिक का कवर। तो इस दफ़ा इन्होंने पैकिंग जो है बड़ी अच्छी यूज़ की है। आपको पता है पाकिस्तानी घरानों में पैकिंग जो है वो और भी पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, तो अगर आप इसको सिलाई धागे वगैरह रखने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे। ये इसका हमने पहला बॉक्स ओपन किया है, इसमें से 3 चीज़ें निकली हैं, और एक तो ये हेडफोन्स हैं, नॉर्मल हेडफोन्स हैं जो G5 के साथ आते हैं। ये इसकी चार्जिंग केबल, और ये एक नई चीज़ है जो G5 ने इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये है कैमरा वायरलेस स्विच। इसको यूज़ करके आप अपने कैमरे की तस्वीरें खींच सकते हैं। ये इसकी शटर की है, ये इसका फोकस सेट करने वाली की है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो G5 ने इंट्रोड्यूस करवाई है, और हम पहली दफ़ा देख रहे हैं पाकिस्तान में कि किसी फ़ोन के साथ इस तरह की एक्सेसरी जो है वो आपको फ्री में मिल रही हो। ये बेसिकली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगी आपके फ़ोन के साथ, और आप इस पर फिर वायरलेस की ये बटन दबा के जो है तस्वीर खींच सकते हैं अपने फ़ोन से। इस बटन से आप उसको फोकस करेंगे कैमरे के, और इस बटन से तस्वीर खींच सकते हैं। उसके अलावा एज़ यूजुअल G5 जो है वो पाउच भी देता होता है अपने फ़ोन के साथ, और इसके साथ भी हमें पाउच मिला। पाउच जो है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर से जिस तरह फ़ोन है उसके ये रोटेट करने वाला कैमरा की जगह होगी। प्लास्टिक इसकी हार्ड बॉडी कवर है, और बाकी ये फ्लिप कवर है। अब हम फ़ोन को देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ये है जी G5 टेंगो 7, टेंगो सीरीज़ का पहला फ़ोन, और G5 का पहला फ़ोन जिसमें रोटेटेबल कैमरा है। तो इसको अगर हम रोटेट करें तो ये इस तरह रोटेट होगा। आप देख लें कि काफ़ी हद तक जो है ये ओप्पो मिनी का जो था डिज़ाइन उसी को फॉलो किया गया। इसको आप यहाँ पे इसके डिफरेंट एंगल्स से आप इसको सेट कर सकते हैं, आप इसको 360 पे। अच्छा, यहाँ पे आके ये रुक जाता है। फ़ोन को अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 5.5 इंच की इसकी स्क्रीन है, और काफ़ी स्लिम है, ज़्यादा जो है वो थिक नहीं है। इसके साइड पे अगर आप देखें तो ये उसका पावर बटन है, ये इसके वॉल्यूम बटन्स हैं। नीचे यहाँ पे इसका ये माइक्रोफोन जैक है, चार्जिंग केबल पॉइंट, और उसके अलावा बैक पे यही कैमरा जो बेसिकली रोटेट हो रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो बेसिकली ऑल प्लास्टिक है, इसमें कोई मेटल फ्रेम वगैरह नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है हाथ में पकड़ के। 5.5 इंच की स्क्रीन है, उसके बावजूद जो है इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं मुझे लग रहा। आराम से एक हाथ में जो है वो हैंडल हो सकता है, और आप अपने थम्स के साथ मेरे ख्याल से मूव भी कर सकेंगे स्क्रीन पे। अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। कोशिश करेंगे कि इसके कैमरे का भी रिव्यू करें जी। तो अब हम इस फ़ोन को ज़रा डिटेल से चेक करते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे, और इसके फीचर्स भी चेक करेंगे। इसकी जो स्क्रीन है वो 5.5 इंच की HD 720p स्क्रीन है, और इसका टच जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं
कि काफ़ी स्मूथ है, इसमें आपको कोई जर्क महसूस नहीं होता। इसके अलावा इसके व्यूइंग एंगल जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, मैं काफ़ी इस वक्त एंगल से देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर है वो इसके बैक कवर पे आप ये देख रहे होंगे, एक हल्की सी एक आउटलाइन सी लगी हुई है, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हो, ये एक आउटलाइन सी नज़र आ रही है। ये बेसिकली इसका बैक पैनल टच पैड है। हम इसको ऑन करते हैं इसकी सेटिंग्स में जाकर, और फिर मैं इसका जो फीचर है वो आपको दिखाता हूँ। तो बैक पैनल का ये फ़ायदा है कि आप अपनी स्क्रीन जो है उसको नेविगेट कर सकते हैं। ये देखें, इस वक्त मैं अपनी फिंगर से बैक पैनल पे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को नेविगेट भी कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं उस पर डबल टैप करूँ तो कैमरा खुल जाता है, और वहाँ पे जाके अगर मैं प्रेस करके रिलीज़ करूँ तो तस्वीर खिंच जाती है, और उसके लिए मुझे कोई प्रेस नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ मैं आराम से उसके ऊपर उंगली रख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ तो तस्वीर खिंच रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, अगर आप सेल्फीज़ खींचना चाह रहे हैं, आपकी जो फिंगर है जिस तरह आपने कैमरे को पकड़ा होता है, आप उस तरीके से उसको आगे अगर नहीं लेके जा सकते तो आप इस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो खींच सकते हैं। ये जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव फीचर है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, मैंने और अभी तक किसी फ़ोन में नहीं देखा। ऑफ कोर्स ये OPPO N1 के अंदर ये फीचर था, जो कि G5 ने अपने Tango 7 में भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये काफ़ी इनोवेशन है जो G5 वाले लेकर आए हैं पाकिस्तान में इस वक्त, क्यों मोबाइल या अगर हम और फोन्स की बात करें तो उनमें ये फीचर नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इनोवेटिव फीचर है। ये देखिए, इस वक्त मैं बैक पैनल से इसको नेविगेट कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके साथ जो हमें ये इसका रिमोट मिला था, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स खींचने के लिए। अगेन हम कैमरे में जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर नीचे वाला बटन आप प्रेस करें तो ये उसको फोकस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दोबारा से रोटेट करते हैं, कैमरे में जाते हैं, ये इसको फोकस कर रहे हैं, और इस बटन से आप तस्वीर खींच सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फीचर है, ये भी एक अच्छी इनोवेशन है जो कि G5 ने लॉन्च की है। इसको आप अपने कीरिंग के साथ लगा सकते हैं और तस्वीरें खींच सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ ये रोटेटेबल कैमरा है, फुल 360 तो नहीं है वैसे ये, लेकिन मेरे ख्याल से 360 को कवर कर लेता होगा, इस लेवल पे आके ये रुक जाता है। और उसके अलावा आप इसको रिमूव करें, इसका रिमूव करें तो ये बैक पे चला जाएगा। G5 वाले जो है वो क्लेम करते हैं कि अगर आप इसको 10,000 दफ़ा भी अगर आप इसको रोटेट करें तो ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। वैसे लग तो नहीं रहा कि ख़राब होगी, काफ़ी सॉलिड चीज़ लग रही है, इतनी आराम से मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त इस लेवल पे आके ये फिक्स हो गया, यहाँ से इसको आपने मूव करना हो तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है और फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर ये इस पोजिशन पर भी है तो ये नहीं है कि ये फ़ोन पर इस तरह हिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज़ करेंगे, जेब में डालेंगे, पर्स में डालेंगे, तो फिर आप इसको इस पोजीशन पे लाके या फिर दूसरी पोजीशन पे लाके आप इसको यूज़ करें। तो ये कुछ अच्छी इनोवेशंस हैं जो कि G5 ने लॉन्च की हैं। बैक पैनल टच पहली दफ़ा हम देख रहे हैं G5 के फ़ोन में, किसी भी पाकिस्तानी फ़ोन में, और दूसरा ये वायरलेस कैमरा कंट्रोलर। इसके ऊपर जो हमने एंटूटू स्कोर इसका रन किया था वो भी काफ़ी अच्छा आया था, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसका जो स्कोर आया था वो 23,791, जो कि अच्छा नॉर्मल स्कोर है, मतलब कि ये मेरे ख्याल से S4 का भी तकरीबन जो स्कोर था वो 25,000 तक आया था। इसमें हेक्सा कोर प्रोसेसर है, मतलब कि इसमें 6 कोर्स होते हैं प्रोसेसर के। ये MediaTek का नया प्रोसेसर है MT6591, इसमें माली 450 MB का प्रोसेसर है, 720p इसकी HD रेजोल्यूशन, 13 MP कैमरा। उसके अलावा इसमें जो रैम है 2 GB है, जिसमें से 1969 अवेलेबल है। इस वक्त ऐप्स करने के बाद जो है आपको फ्री रैम जो है वो 1171 MB अवेलेबल है। सिस्टम स्टोरेज इसके अंदर 16 GB इसके अंदर बिल्ट इन है, जिसमें से सिस्टम जो है वो 1.14 GB यूज़ कर रहा है, और बाकी 12 GB जो है वो ऐप्स ने यूज़ की हुई है, जिसमें से 7 GB फ्री इस वक्त है। इसके अंदर हमने अभी एक गेम भी इंस्टॉल किया, तो मतलब कि इसके अंदर तकरीबन आपको 8 GB जो है, 8.5 GB जो आपको फ्री स्पेस इसके साथ मिल जाएगी। इसमें ड्यूल सिम की ऑप्शन है, इसमें मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं एक्सटर्नल, तो स्पेस का इशू नहीं आएगा आपको।
और सेंसर सपोर्ट जो है इसमें डायरेक्शन सेंसर सपोर्ट है, इसमें एक्सेलरेशन सेंसर है, लाइट सेंसर है, ई कंपास और प्रॉक्सिमिटी सेंसर सपोर्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा फ़ोन लग रहा है इस प्राइस में। इसकी जो प्राइस है इस वक्त वो 27,000 है और इसमें 30 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि रोटेट हो रहा है। तो अगर आप सेल्फीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा लेना चाह रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिहाज से कैमरा लेना चाह रहे हैं, फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मतलब कि ओप्पो N1 को इन्होंने फॉलो किया है और आपको पता है कि वो जो है तकरीबन इससे डबल है प्राइस में। परफॉर्मेंस इसकी भी बड़ी अच्छी है। इसके ऊपर हमने नोवा 3 इंस्टॉल की थी जो कि एक HD गेम है और काफ़ी हैवी गेम है, ग्राफिक इंटेंसिव गेम है। तो उसको हम ज़रा चलाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। मूवमेंट बिल्कुल सही हो रही है, रीट्राई करना पड़ेगा हमें। आप देख रहे हैं कि गेम में कोई ऐसा सच जर्क नहीं मुझे महसूस हो रहा है, कलर्स भी इसके अच्छे आ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट में आपको कुछ वीडियोस चला के दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने HD वीडियोस कुछ कॉपी की थी। फुल वॉल्यूम है शुक्र इसका। व्यूइंग एंगल्स आप देख रहे हैं अच्छे हैं। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और लाउडनेस लेवल भी इसका अच्छा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। साउंड क्वालिटी जो है स्पेशली वो अच्छी आ रही है। तो अगर फीचर वाइज देखा जाए और प्राइस वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। 5.5 inch HD फ़ोन है, स्पेशली जो इसका कैमरा है 13 मेगापिक्सल का रोटेटेबल कैमरा। अगर आप सेल्फीज़ खींचने के शौकीन हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ और वैसे भी अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा कैमरा लग रहा है। G5 में जो है यूजुअली हमें ये इतराज़ रहता है क्योंकि कैमरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका हमने रिज़ल्ट चेक किया है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो उस लिहाज से जो है ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। स्पेशली जो इसका जो ये बैक पैनल टच पैड है ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव फीचर है। लार्ज फोन में आपने इस तरह अगर हैंड में पकड़ा हुआ है तो आप उसकी स्क्रीन जो है वो नेविगेट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके जो है वो जल्दी से कैमरा इसका ओपन हो जाता है, ये देखें, और वहीं से फिर आप तस्वीरें भी खींच सकते हैं। उसके अलावा एडिशनली इन्होंने हमें ये डिवाइस भी साथ दी है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है और आप उसके थ्रू भी तस्वीरें खींच सकते हैं। एक और जो फीचर टेंगो 7 में अवेलेबल है वो है इस OTG का, जिसके थ्रू ये है कि आप OTG केबल यूज़ करके आप माउस, कीबोर्ड या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। इस वक्त ही मैंने माउस अटैच किया हुआ है और यह देख रहे हैं कि माउस जो है वो आगे स्क्रीन पर, और डबल क्लिक करके आप ये एप्लीकेशन खोल सकते हैं।
और अगर मैंने कीबोर्ड भी अटैच किया होता तो मैं इस वक्त कीबोर्ड भी इसके साथ यूज़ कर सकता था। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी बाय द वे अटैच हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया। इसके फीचर्स काफ़ी इनोवेटिव हैं, इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है और मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस में इस फीचर्स के साथ आपको कोई और फ़ोन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर आप इस फ़ोन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।